एक्सीडेंट हो गया था। देखिए ये जैसा जोगिंदर सिंह जी बता रहे हैं कि इनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो आप लोग क्या डेली आते हैं यहाँ खाना के लिए? अच्छा अच्छा, तो कैसे यहाँ खाना कैसा है? बहुत बढ़िया है। देखिए हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र वर्मा अपने यूट्यूब चैनल भूखे पेट में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आया हूँ न्यू पंजाबी रसोई, जिसका मैं वीडियो पहले डाल भी चुका हूँ। तो कुछ समस्याएं मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो इनका दूसरा डाला जाए। तो आइए मैं चलता हूँ न्यू पंजाबी रसोई जो चला रहे हैं जोगिंदर सिंह जी, तो मैं उनसे मिलता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ कि जब से लगा रहे हैं अभी तक का उनका सफ़र कैसा रहा। आपका नाम क्या है? जोगिंदर सिंह जी। तो अभी तक का ये जैसे आपने बीच में क्या मतलब बंद कर दिया था क्या काम? ये एक्सीडेंट हो गया था। देखिए ये जैसा जोगिंदर सिंह जी बता रहे हैं कि इनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने व्यापार को उन्होंने छोड़ा नहीं जो कर रहे थे। तो भैया कैसे क्या एक्सीडेंट कैसे क्या हो गया था आपका? सामने से रोड पार कर रहे थे, स्कूटी आने टक्कर में। अच्छा अच्छा, तो क्या पैर फ्रैक्चर हो गया था? फिर क्या आगे मतलब क्या ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ा? ऑपरेशन हुआ, अभी दर्द करता है लेकिन अच्छा की डिमांड पे दोबारा आए। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको अच्छा लगा खाना, घर पे बैठे फोन आ रहे थे। बहुत अच्छा, लगाएंगे हमने कहा। अच्छा अच्छा, तो ये आगे जब से आपने स्टार्ट किया है ये आगे कैसा रहा सफर? ये मतलब ये काम में व्यापार में आपका व्यापार बढ़ा या घटा, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं? अभी बराबर चल रहा है। देखिए जैसा बता रहे हैं भाई साहब जो है कि व्यापार में अभी कोई खास इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि रोड में किस तरह से अरेंजमेंट कर रहे हैं और काफ़ी लोग खाते हैं, जाते हैं यहाँ खाना के लिए। अच्छा अच्छा, तो कैसे यहाँ खाना कैसा है? बहुत बढ़िया है। देखिए हैं, अच्छा घर जैसा है बिल्कुल। बहुत अच्छा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है यहाँ पर? और भी कुछ खाते हैं यहाँ पे? खाली यही छोला वगैरह क्या क्या? राजमा चावल खाते हैं। और ये जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, अच्छा मतलब यहाँ पर आने के बाद आपको लगता है कि हम घर में खाना खा रहे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये राजमा भी है, ये राजमा है। और क्या भैया है? ये देखिए ये कढ़ी, बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह, लाजवाब। डेली आप आते हैं? एक समय का खाना इनके यहाँ खाते हैं। अच्छा अच्छा, कढ़ी चावल बहुत बेहतरीन है यहाँ का। बहुत बढ़िया भाई वाह, एक नंबर है। बहुत अच्छा। तो कभी कभी आप लोग घर में भी पैक करा के ले जाते हैं? बहुत अच्छा। देखिए मैं ये चाहूँगा कि जोगिंदर सिंह जी का काम जो है बहुत बढ़िया चले। आज इस स्कूटी बना रहे हो, हमारी ये रहेगी कि उम्मीद कि आगे ये पक्की शॉप लेकर के और अपना व्यापार जो है और अच्छे तरीके से चलाएं। तो भैया इसमें सब लोग का सहयोग रहेगा? बिल्कुल सर, हमारा सहयोग इनके साथ। देखिए काफ़ी भीड़ है, 3 लोग इधर बैठे हुए हैं, 2 इधर लोग इधर हैं, लगभग 5 से 6 लोग हैं। और भैया टाइमिंग क्या, आप यहाँ आने की अभी क्या टाइमिंग बदली की वही पहले वाली है? 12 से 5। देखिए 12 से 5 का टाइम है। ये आप देख सकते हैं कि पैर इनका फ्रैक्चर हो गया था भैया का, तो चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही रही है। ये देखिए ये छोले, ये ज़्यादा तेल मसाला तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये है कि घर जैसा बिल्कुल है। अब ज़्यादा तेल मसाला तो अच्छी भी चीज़ नहीं है कि सेहत के लिए, घर जैसा जैसे घर में लोग बनाते हैं कम मसाले में और बहुत ही टेस्टी। चावल दिखाइए ज़रा, ये देखिए ये राइस भी अच्छी क्वालिटी का है। मतलब भैया का क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, आपको घर जैसा खाना दे रहे हैं, क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं अभी तक इन्होंने नहीं किया। कुछ और भी कुछ चेंज किया आपने सर? मीठा वगैरह रखना चालू कर दिया आपने? कस्टमर खीर मांग रहा था ठंडी। अच्छा नहीं कर पा रहे। अच्छा अच्छा, मीठा रसगुल्ले भी कस्टमर मांगते हैं।
रसगुल्ले लाते हैं आप? मतलब आज नहीं लाए हैं? नहीं लाए हैं। लाए हैं तो रसगुल्ले भी दिखाई दीजिए हमको। ये देखिए जोगेंद्र सिंह जी ने जो मीठा भी रखना स्टार्ट कर दिया है। कोई मीठा अगर मांगता है खाने के बाद, और ज़्यादातर लोग मीठा पसंद करते ही हैं कि खाने के बाद चलो एक एक मीठा हो जाए। तो अभी ये बहुत ही कम क्वांटिटी में ला रहे हैं, जैसा डिमांड होती होगी वो इस तरह से लाते हैं। ये देख सकते हैं आप गुलाब जामुन, बहुत बढ़िया भाई जोगेंद्र सिंह जी, मज़ा आ गया भाई आपके ये गुलाब जामुन देख करके। प्राइस भैया ये इसका क्या रेट है? 30 रुपीज़ एक प्लेट का। देखिए एक प्लेट का 30 रुपीज़, बहुत बढ़िया और रिजनेबल रेट है। अभी भी आप देख सकते हैं इतनी महंगाई में। ये देखिए भैया जो है राजमा चावल खा रहे हैं। अच्छा साथ में अचार भी रहता है, ये अपने हाथ से निकालिए हैं, बहुत अच्छा भैया। डेली आते हैं खाने के लिए आप? हर दूसरे दिन। भैया आप भी आते हैं साथ में? बहुत बढ़िया भाई। और क्या इनके ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? राजमा चावल ज़्यादा खाते हैं, बहुत अच्छा है। देखिए राजमा चावल के लोग तारीफ कर रहे हैं, और राजमा चावल ही है, इनके यहाँ सभी चीज़ की लोग तारीफ करते हैं, चाहे आप कढ़ी चावल खाएँ या राजमा चावल खाएँ, या साथ में रोटी भी है इनके यहाँ। और रेट तो मैंने आपको दिखाया भी, बोर्ड भी दिखाया, कि आपको मैं प्राइस भी दिखा देता हूँ कि क्या प्राइस है इनका, ये आप देख सकते हैं। आप भी भैया डेली आते हैं? मैं मैक्सिमम आते हैं। अच्छा मैक्सिमम आते हैं आप? अच्छा आपको सीए साहब भी खाते हैं, तो यहीं से पैक करा के आप ले जाते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए जैसे भैया ने बताया कि और बहुत साफ सुथरा, सबसे अच्छा कि घर जैसा है, घर जैसा सबसे मेन चीज ये घर जैसा है। हमने कहा संडे बोले तो मेरी मम्मी को मैं खिलाफ हूँ। मैडम कहती है हमको एक दिन रख दो। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज मैंने कुछ खाया तो नहीं इनके यहाँ, लेकिन हाँ मैंने ये रायता जो लिया थोड़ा सा, तो मैं रायते का टेस्ट लेता हूँ अभी बताता हूँ आपको। वाह बहुत ठंडा रायता। तो आज की हमारी वीडियो ये रही, और मैं यहीं से अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।